में आपको ड्रॉ करना है आज के आज, अभी के अभी, नहीं तो बात पछताओगे। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालने के लिए मैं टाइम दूंगा। सेक्शन 50 जो बात करता है वो बात करता है इंटरेस्ट लायबिलिटी। वैसे सेक्शन 50 बहुत सारे सेक्शन में यूज किया गया है, रूल्स में यूज किया गया है। सेक्शन 50 में आज के स्टेटस में अब दो इंटरेस्ट लायबिलिटी आपके सामने आएगी, सेक्शन 51 में, रीड विद सेक्शन 52 एंड सेक्शन 53 में। तो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी सेक्शन 51 उसमें टू जो टाइम पीरियड के बारे में बताता है, और सेक्शन 53 में आएगी। सेक्शन 51 जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है वो पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट मतलब आपका जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है प्लस आरसीएम वाला टैक्स है जो आपको पे करना है, अगर आपने ड्यू डेट के बाद पे किया तो इंटरेस्ट लगाता है। और सेक्शन 53 जो अभी नया है ये इंटरेस्ट कब लगाता है, ये जब ओके आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज तब इंटरेस्ट लगाता है। चलिए हम पहले सेक्शन 51 को आप नोट्स में से भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। सेक्शन 51 में मैं अब ड्यू डेट क्या होती है, पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है उसके बारे में समझ, क्योंकि ड्यू डेट के बाद आपने पे किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर आप मंथली स्कीम में होंगे और आप QRMP स्कीम में होंगे, अगर आप मंथली स्कीम में होंगे तो आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स रहता है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअली जीएसटी लॉ में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऐसा अलग डेट दिया ही नहीं, उन्होंने कहा है अगर आप प्रॉपरली सेक्शन पढ़ो यहाँ पे रिटर्न के, तो जो आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होगा वही आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, बिकॉज रिटर्न कैनॉट बी सबमिटेड, ओके आई रिपीट, रिटर्न कैनॉट बी सबमिटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जनरल सेंस में आपका जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मंथली स्कीम में होगा तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर एक्सटेंशन दिया होगा तो एक्सटेंशन, पर जनरली 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न माना जाएगा, देन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न माना जाएगा, तो ये 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ में कवर हो जाएगा। चलिए, और अगर आप QRMP स्कीम में होगे, सुनो, अगर आप QRMP स्कीम में होगे तो ड्यू डेट एज फॉलोस, ओके फर्स्ट मंथ की ड्यू डेट QRMP स्कीम अगर आपको याद होगी तो पहले मंथ की ड्यू डेट होती है 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, सेकंड मंथ का पेमेंट आपको 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ में देना पड़ता है, और थर्ड मंथ का जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब, अगर आपको याद होगा तो। इन शॉर्ट मेरा यह कहना है कि अगर आपने टैक्स पे किया, अगर मंथली स्कीम में 20 तारीख के बाद अगर आपने टैक्स दिया तो इंटरेस्ट लगेगा, और QRMP स्कीम में पहले मंथ का टैक्स, QRMP क्या होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो पहले मंथ का टैक्स 25 तारीख के बाद दिया तो इंटरेस्ट लग जाएगा, सेकंड मंथ का टैक्स अगले महीने के 25 तारीख के बाद दिया तो इंटरेस्ट लग जाएगा उतने पोर्शन पे, और थर्ड मंथ का टैक्स यहाँ पे ओके जो रिटर्न की डेट है उसके बाद दिया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो ड्यू डेट्स मैंने बताई नॉर्मल स्कीम और QRMP स्कीम में, अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या कहते हैं, इफ टैक्स पेड आफ्टर ड्यू डेट, ऊपर जो ड्यू डेट बताई है इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन GSTR3, मतलब ओके मैंने ऐसा क्यों लिखा इंक्लूडिंग लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फर्स्ट केस में तो आपका रिटर्न लेट हुआ तो टैक्स पेमेंट लेट होता ही है, ओके यानी आपका टैक्स पेमेंट लेट जो हुआ बिकॉज आपने रिटर्न ड्यू डेट को नहीं दिया GSTR3B में, और सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में आपको रिटर्न क्वार्टरली देने पड़ते हैं, क्वार्टरली देने पड़ते हैं, ओके तो ऐसे केस में हो सकता है कि 25th आपकी मिस होगी ड्यू डेट, ओके 25th मिस होगी तो ड्यू डेट में नहीं दिया, या फिर आपने रिटर्न लेट दिया इसलिए हो सकता है कि ड्यू डेट मिस होगी पेमेंट की, या फिर आपने सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपने यहाँ पे जो है रिटर्न लेट फाइल किया हो उसके वजह से लेट पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ। तो इफ टैक्स इज पेड आफ्टर ड्यू डेट इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन GSTR3B, क्योंकि 3B लेट फाइल कर इसलिए लेट ही हो, पर ये जो 3B आपने फाइल किया ओके बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73-74, मतलब क्या आपका रिटर्न लेट हुआ पर 73-74 की प्रोसीडिंग आपको लागू नहीं हुई, शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर, ओके शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर वगैरह, 73-74 फाइनल लेवल पे आगे शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर आता है, फाइनल लेवल का आता है, ठीक है, तो 70 अगर प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई होगी, लेट्स टेक एग्जांपल आपका ओके रिटर्न का ड्यू डेट था अप्रैल का 20 में और आपने जून जुलाई में लेट कर दिया, पर अप्रैल का रिटर्न आपने जून में दिया या जुलाई में दिया और आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस नहीं आई तब तक, तो लॉ कहता है कि अगर आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग 73-74 की नहीं चालू हुई होगी और जस्ट रिटर्न लेट हुआ है तो वो केस में इंटरेस्ट पे होगा, रेट होगा 18% पर एनम, रेट क्या होगा 18% पर एनम, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके इंटरेस्ट दिया जाएगा अमाउंट पेबल बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसीएम, सॉरी बेटा यहाँ एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये इधर उधर हो गया चार्ट, जस्ट मिनट, आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसीएम, मतलब क्या इन सिंपल वर्ड आप जस्ट रिटर्न के लिए लेट हो गए और जिसके वजह से आपका टैक्स भी लेट हो गया तो आपको 18% का रेट लगेगा और आपकी नेट लायबिलिटी, नेट मतलब क्या टोटल टैक्स माइनस क्रेडिट के बाद जो नेट बचा ओके प्लस आरसीएम, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट उतना ही करते हो जो नेट आता है, तो नेट प्लस आरसीएम डेबिट करते हो, तो नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसीएम ओके उतना आप डेबिट करोगे ओके और उतनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। पीरियड कब से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट, मतलब आपकी ड्यू डेट 20 तारीख होगी तो 21 तारीख से चालू होगा, अगर आपकी ड्यू डेट QRMP स्कीम में 25 होगी तो 26 से चालू होगा, थर्ड मंथ की ड्यू डेट आपकी 22nd 24th है तो 23rd, ओके कुछ स्टेट में 22nd है कुछ स्टेट में 24th है तो 23rd 25th से चालू होगा, मतलब नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये इंटरेस्ट लगेगा। तो एक मिनट फिर से, आपने लेट इसलिए पे किया क्योंकि रिटर्न लेट जा गया आपका पर प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई, 73-74 की नोटिस वगैरह नहीं आई, तो आपका इंटरेस्ट 18% पर एनम आपके नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसीएम जो डेबिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को उतने पे ही लगेगा। लेकिन वो प्रोविजो कहते हैं इफ टैक्स इज पेड आफ्टर ड्यू डेट बिकॉज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन GSTR3B और वो जो लेट फाइल किया वो आफ्टर प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 73-74, मतलब क्या, मतलब ये कि ड्यू डेट निकल गई थी, सुनो ध्यान से, ड्यू डेट निकल गई थी रिटर्न के और रिटर्न भी लेट हो गया, उसके पहले नोटिस आ गई 73-74 की, उसके पहले नोटिस आ गई
और नोटिस आने के बाद मैं रिटर्न दे रहा हूं, आई रिपीट, नोटिस आने के बाद मैं ओके यहां पे रिटर्न दे रहा हूं, तो यहां पे भी इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम से, लेकिन ये इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। क्यों? क्योंकि नोटिस आ चुकी थी, अब नोटिस आ चुकी थी और उसके बाद आप जीएसटी R3 भी दे रहे हो, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे ये इंटरेस्ट लगेगा। ओके, नोटिस के पहले आपने रिटर्न दे दिया, ड्यू डेट के बाद, पर नोटिस के पहले तो 18% नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसी। अगर नोटिस आ गई 73-74 में प्रोसीडिंग चालू हो गई और उसके बाद आप रिटर्न दे रहे हो, तो फिर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आईटीसी का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ओके, टैक्स कब से? तो नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये तो था सेक्शन 51 में आपकी टैक्स लायबिलिटी फॉर आउटपुट टैक्स कैसे आएगा। अब आते हैं ये अमेंडमेंट पे, सेक्शन 53 अब क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के आपको यहां पे पूरा चांसेस है। देखिए सेक्शन 53 ये कहता है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। अब ये एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने गलती से आईटीसी ले लिया, रॉन्गली अवेल्ड मतलब क्या, कि भाई वन ऑफ द कंडीशन फॉर आईटीसी अंडर सेक्शन 62 की इनवॉइस और डेबिट नोट आपके पोजीशन में होना चाहिए, बिना इनवॉइस के आईटीसी ले लिया, या आपके 2B में अपडेट नहीं हुआ और आपने आईटीसी ले लिया, या फिर गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुई और आपने आईटीसी ले लिया, लॉट के केस में फर्स्ट लॉट पे आईटीसी ले लिया, या फिर आपने 180 डेज, हाँ 180 डेज वाला याद रखना, 180 डेज में पेमेंट नहीं किए और आईटीसी ले लिया, जबकि 180 डेज में पेमेंट नहीं किया और आईटीसी कंटिन्यू कर लिया, एग्जाम सप्लाई का आईटीसी कंटिन्यू ले लिया, कोई भी रीजन की वजह से जहां आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए था वह अवेल कर लिया, गवर्नमेंट कहती है अवेल करो कोई दिक्कत नहीं, ओके अवेल कर दो कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत कब से चालू हो जाएगी, जब आप वो रॉन्गली अवेल किया आईटीसी यूटिलाइज करोगे, रॉन्गली अवेल किया आईटीसी यूटिलाइज करोगे। मतलब क्या, या दो सिचुएशन क्रिएट होती है, पहली अगर आपने इफ रिवर्सल और पेमेंट इज डन बिफोर यूटिलाइजेशन, मतलब आपने जो आईटीसी रॉन्गली किया ओके यूज नहीं किया उसका पहले रिवर्स कर दिया, पहले रिवर्स कर दिया या पेमेंट कर दिया आपने उसका, ओके डेबिट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके तो गवर्नमेंट कहना है कि ठीक है ना, ओके रॉन्गली कभी कभी अवेल करना ठीक है, पर यूटिलाइज मत करना, यूटिलाइज किया तो हमें दिक्कत है उसके, अगर तुमने अवेल किया और रिवर्स कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अपने रॉन्गली अवेल करके उसको यूटिलाइज भी कर लिया, रॉन्गली अवेल करके उसको यूटिलाइज भी कर लिया, तो फिर लगेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या रेट से लगेगा, 24% पर एनम से आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 18 नहीं भाई, 24% से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अच्छा ओके, इंटरेस्ट किस पे लगाया जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रॉन्गली यूटिलाइज। अब समझ लो आपने रॉन्गली अवेल किया 1,00,000 पर उसमें का यूटिलाइज किया 30,000, तो इंटरेस्ट 1,00,000 पे लगेगा या 30,000 पे, 30,000 पे। ओके जितना आप रॉन्गली यूटिलाइज करोगे टू दैट एक्सटेंट ही इंटरेस्ट लगेगा, 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जिस दिन अवेल किया तब से नहीं, समझ लो अप्रैल का मैंने क्रेडिट अवेल किया, अप्रैल का क्रेडिट मैंने अवेल किया, ओके अवेल करना मतलब क्या होता है, अवेल करना मतलब तुमने जीएसटी R3B में क्लेम किया, तो मैंने क्लेम कर दिया ओके अप्रैल का मई में, और वो रॉन्गली जो अवेल किया मैंने यूटिलाइज किया जून में, जुलाई में, अगस्त में, व्हाटएवर, तो जब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा वहां से इंटरेस्ट लगेगा। एक बार बोलो मेरे साथ फिर से, जब मैं यूटिलाइज करूंगा वहां से इंटरेस्ट लगेगा, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ पेमेंट, जब तक मैं उसको रिवर्स नहीं करता हूं, जब तक मैं पेमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि रॉन्गली लिया हुआ मुझे रिवर्स करना है, अब मैंने यूटिलाइज कर लिया तो ओके वहां से इंटरेस्ट, जब तक मैं उसको रिवर्स नहीं करता हूं। अब इसमें भी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन उन्होंने थ्रू एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया है, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे निकालना, और इसके लिए मैं प्रॉब्लम आगे लूंगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम लूंगा, आपको समझ जाएगा। ओके देखिए क्या कहते हैं, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू रिटर्न। मतलब क्या कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आपने जो रॉन्गली अवेल क्रेडिट किया इसका, ये अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा, आपको प्रॉब्लम ही समझ में आएगा। अगर आपका जो बैलेंस है ओके वो बैलेंस जितना आपने रॉन्ग अवेल किया, कितना अवेल किया था रॉन्ग 1,00,000 और आप टैक्स के लिए यूज कर लो, और अब बैलेंस 1,00,000 के नीचे गया, मतलब आपने यूज कर लिया वो क्रेडिट जो रॉन्गली अवेल था, जब तक आपका बैलेंस 1,00,000 के ऊपर है तब तक आपका 1,00,000 वैसा का वैसा इंटैक्ट है, यूज नहीं हुआ, पर जैसे ही आपका बैलेंस ओके जो रॉन्गली अवेल 1,00,000 है उसके नीचे गया तो फिर आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, और आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन बोला जाएगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जब आपने यूज किया ओके ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ओके जो मंथ में आपने यूज किया उसका रिटर्न का ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न व्हिच इज अर्लियर, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न व्हिच इज अर्लियर। ओके पहली बात तो दिमाग में रखो, आपको अवेलमेंट नहीं यूटिलाइजेशन, जो मंथ में आपने यूटिलाइज किया वो मंथ का रिटर्न का ड्यू डेट या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न व्हिच इज अर्लियर लिया जाएगा, और वहां से इंटरेस्ट लागू होगा, एग्जांपल से और क्लियर समझेगा, वेट फॉर दैट। और उसके बाद में इफ बैलेंस इन क्रेडिट लेजर फॉल बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल, ओके बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर रीजन, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब वो टैक्स पेमेंट की नहीं भाई, कोई दूसरे पेमेंट है, कोई पुराना डिमांड ऑर्डर वगैरह है उसका पेमेंट है, तो अगर कोई दूसरा रीजन होगा तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज द डेट ऑफ डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डेट ऑफ डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये दो वाला पार्ट यहाँ अच्छे से समझ लो, पहले तो आप ये चार्ट जो है ये चार्ट आपको आज के आज बनाना है, और ये चार्ट जो आप आज के आज बनाओगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले फुल स्क्रीनशॉट ले लो, ओके पहले फुल स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में हाफ आप ले लो, क्योंकि फुल में अगर कोई वर्ड नहीं दिखा तो हाफ आप में आपको हेल्प होगा, ओके पूरा स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है, और ये आपको आज ही बनाना है, समझे क्या आप, चलिए अब हाफ आप ले लो सो दैट आपको थोड़ा क्लियर वर्ड्स समझेंगे यहां पे। और आपको आज ही बनाना है ये चार्ट, समझ कर चलिए, अब आप थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, जो सेक्शन 50 है उसके साथ साथ रूल 88B भी दिया है उन्होंने, मैनर ऑफ, ये 88 रूल भी दिया है, और ये कहता है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, रूल 88B, 88B1, 88B2 और 88B3, 88B3। अब देखो क्या 88B1 क्या कहता है,
ओके, ये जो मैंने अभी पढ़ाया चार्ट, ये टेबल भी वही बताता है। इफ टैक्स हैज बीन बिलेटेडली पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट थ्रू क्रेडिट बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आपने टैक्स अगर डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से टैक्स आउटपुट टैक्स अगर लेट पे किया पर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73-74, लेकिन आपने रिटर्न लेट दिया पर 73-74 की प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई थी, तो इंटरेस्ट इज टू बी पेड फॉर अ पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग सेड रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी R3B। मतलब नेक्स्ट डे ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगेगा टिल द डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी R3B। कितने अमाउंट पे लगेगा? तो बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसीएम, आपका आरसीएम होगा तो आरसीएम भी ऐड होगा। और क्या रेट से लगेगा? 18% पर एनम से, पर प्रोवाइडेड दैट कि जो रिटर्न लेट हुआ उसमें प्रोसीडिंग 73-74 की चालू नहीं हुई, 73-74 की प्रोसीडिंग चालू नहीं हुई। अब सेकंड है इन अदर केस, मतलब 73-74 की प्रोसीडिंग चालू होगी, अगर 73-74 की प्रोसीडिंग चालू गई तो आपको 18% इंटरेस्ट लगेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स रिमेंस अनपेड, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जितना अनपेड है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, यानी आपके ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। ओके, अगर अदर केस मतलब 73-74 की प्रोसीडिंग चालू गई, यानी हमारे चार्ट में मैंने दो सिचुएशन ऐसे ये कवर किया है, अगर 73-74 की प्रोसीडिंग नहीं चालू हुई होगी तो नेट पे, अगर प्रोसीडिंग चालू होगी मतलब अदर, ये वाला अदर आता है, ये वाला अदर आता है, तो वो केस में आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जितनी टोटल अनपेड है उसके ऊपर लगेगा। और 88B3 कहता है कि अगर इंटरेस्ट रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज होगा, यानी ये सपोर्ट करता है 53-3 को, रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज होगा तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, इंटरेस्ट कब से लगेगा? तो आपने अभी चार्ट देखा, रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज होगा, चार से देखो कितना फास्ट समझ में आ गया, रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज होगा तो इंटरेस्ट कब से लगेगा? तो फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, रेट क्या हो गया 24%, और कितने अमाउंट पे लगेगा? तो जितना रॉन्गली यूज किया, तो देखो पीरियड तब से लगेगा, अमाउंट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड टू दैट एक्सटेंट लगेगा, और 24% पर एनम से लगेगा, 24% पर एनम से लगेगा। ये तो हमने देखा कि भाई जो इंटरेस्ट हमें लग रहा है। ओके, अब मैं स्पेशल एक प्रॉब्लम लेने वाला हूं 53 पे। ओके, बाकी तो आपको पता है। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस? पहले केस में आपको ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट होगी पेमेंट की, उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट निकालना है और डे बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। और सेकंड केस में डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, और यस आपको डेट ऑफ यूटिलाइजेशन भी लेना है, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन वो भी आपको कंसीडर करना है, और वहां से टिल द डेट ऑफ पेमेंट या रिवर्सल। ओके, डेट ऑफ पेमेंट या रिवर्सल, ओके, वहां तक लेना और 24% पर एनम से लेना। चलो मैं इसको और अच्छे समझाता हूं। और ये जो दो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा, तो मैंने आपको ये चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया। डेट ऑफ यूटिलाइजेशन यहां मैंने लिया है, ये और ये अभी प्रॉब्लम समझाऊंगा। अगर अमाउंट शॉर्ट होता है बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, व्हिच इज अर्लियर, अदर रीजन हो गए तो डेट ऑफ डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, थोड़ा मैं इसको ये एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से आगे बताऊंगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। पहला ये सेक्शन 51 पे है, 51 पे है, सेक्शन 50 मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपकी टोटल लायबिलिटी जो है, जल्दी से बंद हो गया, सेक्शन 51 में, उसमें से आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी 3 लाख हुई, तो नेट कितना 2 लाख, तो आपका इंटरेस्ट सेक्शन 51 में, प्रोवाइडेड दैट आपके केस में नोटिस नहीं आई सेक्शन 73-74 की, तो आपका नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा, प्लस आरसीएम वाला कोई पेमेंट होगा वो भी डेबिट होता है तो उस पर लगेगा। ओके, सेकंड केस में 4 लाख पे लगेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल लायबिलिटी है 5 लाख और ITC 6 लाख है, तो आपकी नेट कुछ भी नहीं है, तो अगर यहां पे आपका क्रेडिट ही एक्स्ट्रा है, तो इवन दो यू आर फाइलिंग रिटर्न लेट, रिटर्न आप लेट फाइल करें तो भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? सेक्शन 51 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आप जो है आपका क्रेडिट एक्सेस था, बट लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की लेट फी सेक्शन 46 में लग सकती है। ओके, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये पॉइंट समझा आपको। चलिए अब देखो यहां पे ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मिस्टर ए हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मिस्टर ए ने नीचे दी गई इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, और ये वाले एग्जांपल में इसको इतना बड़ा एग्जांपल हो सकता है, इसमें से 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा करके आपको पूछेंगे, और पूछेंगे बॉस इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है हमारे चार्ट के साथ। अप्रैल में आपका मंथ ऑफ अप्रैल है, ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी आपके ITC का ओपनिंग बैलेंस नील है, एलिजिबल ITC आपका 7 लाख है, कम ऑन, एलिजिबल ITC, यानी उस मंथ में आपका जो ITC आपको मिल सकता है वो कितना दिया गया है? 7 लाख। ITC रॉन्गली अवेल्ड कितना है? 50,000, ऐसा ITC ले लिया जो नहीं मिलना चाहिए था। टोटल मेरे पास बैलेंस जमा हो गया, ओपनिंग बैलेंस प्लस उस मंथ का प्लस जो रॉन्गली लिया, ऐसा 7,50,000 जमा हो गया। उस मंथ की मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 7 लाख। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न था 20 में, और मैंने एक्चुअल रिटर्न भी फाइल किया 20 में को, एक्चुअल रिटर्न भी फाइल किया 20 में को, ऐसा पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन, नीचे लिखा है, डिटरमाइन द डेट फ्रॉम व्हेन इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इन अबव केस एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज एंड ITC इज रिवर्स इन द मंथ ऑफ रिवर्स इन सितंबर रिटर्न, यानी 20th अक्टूबर को ITC रिवर्स किया गया, और आपको रूल 88B के अंडर इंटरेस्ट निकालना है रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज का। चलिए अब मैं लेता हूं अप्रैल में, मेरा डेटा मेरे हिसाब से अरेंज करता हूं। अप्रैल में 7,50,000 का मेरे पास था, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरी 7 लाख रुपए थी, तो मेरा बैलेंस कितना हुआ? 50,000। अब देखो यहां पे 50,000 मेरा बैलेंस हुआ है, सुनो ध्यान से, 50,000 मेरा बैलेंस अभी भी पड़ा है, तो मैंने जो रॉन्गली अवेल किया वो अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट कब से चालू, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब से बोला जाएगा? जब वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट नहीं हुआ। ओके भाई, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पे करने के लिए जो मैंने टैक्स क्रेडिट यूज किया वो 7 लाख यूज किया, बाकी जो 50,000 वैसे का वैसा पड़ा है, मतलब मेरा जो रॉन्गली अवेल्ड है वो शॉर्ट नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा पड़ा है, तो क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। ओके, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, तो मुझे इंटरेस्ट अप्रैल में नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने मेरा बैलेंस वैसा पड़ा हुआ है, अभी मैंने वो रॉन्गली अवेल्ड का मैंने यूज नहीं किया, ऐसा माना जाएगा। डन। अब ये क्या, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, मतलब वो अभी तक रिवर्सल नहीं हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग हो गया। फिर आपका एलिजिबल ITC मे का 5 लाख रुपए है, या मे में आपने कोई रॉन्गली अवेल किया नहीं, तो आपका टोटल ITC 5,50,000 हुआ। अब मे की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी
ओके, मेक योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी 5 लाख थी, ओके 5 लाख थी, अभी भी बैलेंस आपका 50 पड़ा हुआ है, यानी जो रॉन्गली अवेल किया था क्या वो अभी तक शॉर्ट हुआ नहीं, ओके जो आप टैक्स पे कर रहे हो ये टैक्स पे करने की वजह से रॉन्गली अवेल किया हुआ आईटीसी शॉर्ट नहीं हुआ है, अगर रॉन्गली अवेल किया हुआ आईटीसी शॉर्ट नहीं हुआ है तो ये मंथ में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ओके ये मंथ में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आया समझ में, ओके उसके बाद में जून वो वापस 50,000 जून में क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस 50, 3 लाख, ओके टोटल आईटीसी 3,50,000। हाँ, अब मैंने जो आउटपुट टैक्स पे किया 330 पे किया, अब 330 की वजह से ओके मेरा क्लोजिंग बैलेंस 20 आ गया और यहाँ पे आपका रॉन्गली अवेल आईटीसी 50 है, अब वो शॉर्ट हुआ, अब वो यूटिलाइजेशन में आ गया, अब ये यूटिलाइजेशन में कितना यूटिलाइजेशन में आ गया 30,000, तो यहाँ पे क्योंकि बाकी का तो अभी भी बैलेंस है पर यूटिलाइज हुआ 30,000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट टोटल 50 पे लगेगा या टू द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइज पे लगेगा, तो लॉ ये कहता है ओके आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा, चार्ट देखो ओके आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा, इंटरेस्ट 24% पर एनम से और टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रॉन्गली यूटिलाइज यानी 30,000 पे लगेगा, और आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा, ओके फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन की डेट कैसे निकाली जाएगी, यूटिलाइजेशन की डेट निकाली जाएगी ए बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी, हाँ कम हो गया, ओके आईटीसी रॉन्गली अवेल जो था वो शॉर्ट हो गया, ओके बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि आपका टैक्स पेमेंट ज्यादा आ गया, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, मतलब अब मैं आपको यहाँ पे आ जाऊंगा और आपको ये कहूंगा कि पहले तो ये फिक्स कर लो जून को जो है 30,000 जून के पेमेंट के लिए आपने 30,000 रुपए वो अमाउंट यूज किया जो रॉन्गली अवेल है, तो 30,000 पे तो इंटरेस्ट लगेगा, अब इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो वो कहते हैं जून में, जून की जो रिटर्न की ड्यू डेट थी, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जून 20th जुलाई, और आपकी एक्चुअल डेट जो थी आपने रिटर्न कब दिया 20th जुलाई को, तो व्हिच इज अर्लियर, यानी आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब माना जाएगा तो 20th जुलाई माना जाएगा, मतलब एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न व्हिच इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपकी, सुनो दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी और वहां से इंटरेस्ट चालू होगा, इसलिए अगर आप आंसर देखते हो तो अप्रैल मई में ओके इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आंसर देखो अप्रैल मई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन ओके जून में आपने यहां पे 30,000 यहां शॉर्ट हुआ, ओके आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, इसलिए इंटरेस्ट 30,000 पे लगेगा, 20% पर एनम से लगेगा, 20th जुलाई आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन फाइनल होगी व्हिच एवर इज अर्लियर, ओके एक बार सॉल्व करके देखना, इसके पर सवाल आ सकता है, और डेट ऑफ रिवर्सल आपकी प्रॉब्लम अगर देखते हो तो डेट ऑफ रिवर्सल आपकी 20 अक्टूबर है, तो 20 अक्टूबर यानी 20th जुलाई से 20 अक्टूबर यानी 93 डेज होते हैं, ओके तो 30,000 24% 93 डेज डिवाइडेड बाय 365 इतना इंटरेस्ट आपको लगेगा, इतना इंटरेस्ट आपको लगेगा, ये समझ में आया, बोलो यस सर ये समझ में आया, डन। उसके बाद में यहां पे जुलाई, अब ये जो रॉन्गली अवेल बचा 20,000 और आगे कैरी हुआ जुलाई, उसके बाद में आईटीसी 6 लाख, टोटल 6,20,000 आपके पास जमा हो गया, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 6,10,000 हुई, तो अब जो 20 है वो और शॉर्ट हुआ, ओके 10 से यानी और 10 यूज किए गए, अब बैलेंस 10 ही बचा और 10 यूज किए गए, तो अब आपको यहां पे भी ओके जुलाई में भी 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि 20 में से 10 यूज किया आपने, ओके 10 यूज किया 10 बैलेंस है, तो ये 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ओके तो इसका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब मानना, तो जब आपकी ड्यू डेट थी या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो व्हिच इज अर्लियर, तो यहां अर्लियर आ रहा है 18 अगस्त, आपने ड्यू डेट के पहले 18 अगस्त आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न दे दिया, अगर आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न दे दिया, सुनो ड्यू डेट के पहले अगर रिटर्न दे दिया तो वो डेट ली जाएगी व्हाट एवर द एक्चुअल व्हिच इज अर्लियर, तो अब आपका जो यूटिलाइजेशन का डेट माना जाएगा ओके 10,000 पे आएगा, देखो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 10,000 पे आएगा, 24% पर एनम से आएगा, 18 अगस्त आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी और डेट ऑफ रिवर्सल जो है 20th, मतलब आपको 64 डेज का इंटरेस्ट लगाया जाएगा 24% पर एनम से। चलिए अब वापस आते हैं, अब वापस ये 10,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर से अगस्त में 10 + 5 = 5,10,000 और आपका ओके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 510 थी, आपका पूरा यूज हो गया, बैलेंस नहीं बचा, तो अब बचे हुए 10,000 पे कौन से मंथ में आएगा, अगस्त में आएगा, ओके अगस्त में व्हिच इज अर्लियर, आपने ड्यू डेट थी 20 ओके और रिटर्न फाइल किया 25, तो ओके ड्यू डेट 20th सितंबर आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी, 25 नहीं 20th सितंबर, ओके नेक्स्ट डे भी मत लेना, हां नेक्स्ट डे भी मत लेना, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट व्हिच इज अर्लियर, तो 20th सितंबर जो है आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी, ओके और तो ये सिचुएशन में 20th सितंबर जो है ओके यहाँ पे 10,000 24% पर एनम, 20th सितंबर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, 20th अक्टूबर 31 डेज का इंटरेस्ट लगेगा, बॉस इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, आई होप आपको समझा होगा, ओके और ये चार्ट जो है ये जरूर ड्रॉ करना, ये तो था कि आपका शॉर्ट हुआ बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई अदर रीजन की वजह से शॉर्ट होता है ओके तो मतलब रिवर्सल वगैरह जब भी कभी अदर रीजन यानी क्या आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को रिवर्स करते हो या D1 D2 का पेमेंट करते हो अंडर रूल 42 43, तो कोई दूसरे रीजन की वजह से शॉर्ट हुआ तो फिर डेट ऑफ डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो ओके डेट आपकी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी, तो इस तरह से हमने सेक्शन 50 कंप्लीट किया बॉस, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, और मैंने जो क्वेश्चन लिया कॉम्प्रेहेंसिव क्वेश्चन लिया उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस बार अगर आया तो 5 मार्क आपके पक्के होने चाहिए इसके, डन।